इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो उसका स्ट्रगल उसे और स्ट्रांग बना देता है और कामयाबी एक दिन उसके कदम चूमने लगती है। इंसान अपने हुनर में पक्का हो जाए तो उसे काम के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, काम खुद उसके पीछे दौड़ता है। एक ऐसा ही एक्टर जिसने अपनी लाइफ में तो खूब स्ट्रगल किया लेकिन खुद को कुछ इस तरह से तैयार कर लिया कि एक्टिंग के लिए उसे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बल्कि फिल्मों के ऑफर उस तक खुद ही चलकर आने लगे। और वो एक्टर है मराठी थिएटर से उभर कर आए अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर सयाजी शिंदे, जिन्होंने जहाँ भी काम किया वहाँ अवार्ड हासिल किए। शूल फिल्म के बिहारी नेता बच्चू यादव का खौफनाक रोल हो या आमदनी अठन्नी के कर्ज वसूलते गुंडे के मजाकिया लहजे वाला किरदार, सयाजी हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, गुजराती और भोजपुरी लैंग्वेज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले सयाजी हिंदी फिल्मों में अब कम ही नजर आते हैं। तो क्या सयाजी शिंदे को बॉलीवुड ने भुला दिया है या बदलती फिल्मों के दौर में उनके जैसे एक्टर के लायक रोल कम लिखे जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं आज के इस वीडियो में। साथ ही डालेंगे एक नजर सयाजी शिंदे की लाइफ की स्टोरी पर जो वाकई में इंस्पायर्ड करने वाली है। इसलिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अच्छा, हमने जो सुना वो सही है? आपने वो डीएसपी के ऊपर हाथ उठाया? हम तो ये भी कहते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। शेर कह रहे हैं हम तुम्हें, शेर। अरे मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अपना पूरा धंधा फोन पे चलता है और फोन की बात सुनने नहीं दे रहा है। किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किससे कितना लेना है, साला समझता नहीं है, लोचा क्या है? 50,000 के लिए मरवा दिया, पुराना क्लाइंट था साला, साल का दो दो बार वसूल आता था। मेरा नाम बाबूराव कामले, नाम कोई लेता नहीं, बाबू बाबू करके बुलाते हैं। अभी लोगों का प्यार है, मैंने जिंदगी में पैसा दौलत नहीं कमाई, इज्जत कमाई। एक साधारण किसान फैमिली जिसका ना एक्टिंग से कभी कोई वास्ता रहा ना ही फिल्मी दुनिया में कोई रिलेशन रहा, वहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर अपने घर का ही नहीं अपने गांव का नाम भी रोशन कर देता है। सयाजी शिंदे नाम के इस बच्चे का जन्म 13 जनवरी 1959 को सतारा जिले के वेले कामठी गाँव में एक गरीब किसान के घर हुआ था, जिसके बचपन को देख कर कोई नहीं बता सकता था कि बच्चा आगे क्या करेगा। यहाँ तक कि बड़े होकर जब सयाजी ने थिएटर करना शुरू किया तो भी लोग कहते कि कुछ अच्छा काम धंधा करो जिसमें कुछ कमाई हो, लेकिन जब उसी एक्टिंग से सयाजी को नाम के साथ पैसे भी मिलने लगे तो लोग कहने लगे ये मेरे गांव का है। सयाजी का बचपन गरीबी और अभावों में बीता था। उनके पिता एक किसान थे और एक समय ऐसा आया कि उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो अभी गांव में बांध बनने पर हाथ से निकल गई। सयाजी के गांव में बिजली तक नहीं थी। जब सयाजी जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते तो उनके घर का चूल्हा चलता। खैर, किसी तरह उन्होंने गांव में 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की, जो कि उससे आगे की क्लास उस स्कूल में नहीं थी तो मौसी के यहाँ चले गए और वहाँ 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर बहन के घर जाके कुछ साल पढ़ाई की। घर की हालत देखते हुए सयाजी ने टीचर बनने का मन बना लिया और ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन उसी दौरान उन्हें सतारा में ही इरिगेशन डिपार्टमेंट के वॉचमैन की नौकरी मिल गई। उनकी पहली पेमेंट 165 रुपए की मिली, जो उन दोनों उनकी पढ़ाई और खर्च के लिए काफी थी। वहाँ काम करते हुए सयाजी ने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और बाद में उसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क बन गए। सयाजी को बचपन से ही नाटकों का भी शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से उस शौक को कभी पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब नौकरी करने लगे तो थिएटर से जुड़कर इसे भी पूरा कर लिया। हालांकि कॉलेज के दिनों में उन्होंने जो कुछ भी किया था उसकी तैयारी इतनी तगड़ी थी कि उन्हें अपने पहले ही नाटक के लिए अवार्ड मिल गया। इस दौरान सयाजी की मुलाकात रंगकर्मी सुनील कुलकर्णी से हो गई और उन्होंने सयाजी को कमर्शियल प्ले से जोड़ दिया, जहां सयाजी ने रोहिणी हट्टंगड़ी और जयदेव हट्टंगड़ी जैसे नामी कलाकारों के साथ काम किया। साल 1987 में सयाजी का पहला नाटक झुलवा, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था। उस रोल को उन्होंने कुछ ऐसा निभाया कि लोग उन्हें असली ट्रांसजेंडर ही समझने लगे थे। इस मराठी नाटक से सयाजी ने कमर्शियल थिएटर में अपनी जगह पक्की कर ली। सयाजी नौकर के साथ साथ नाटक करते रहे और कुछ सालों बाद प्लान किया कि सतारा में बहुत हो गया, अब मुंबई जाकर किस्मत आजमाएंगे। सयाजी जब मुंबई आए तो उन्होंने कोरला के एक सहकारी बैंक में जॉब कर ली ताकि वहाँ गुजारा हो सके। उन्होंने जॉब करते हुए थिएटर को भी जारी रखा और 17 साल तक बैंक में काम करते रहे। इस दौरान मराठी थिएटर के फेमस एक्टर बामन केंद्रे के साथ काम करते हुए उन्हें मराठी फिल्मों में काम मिल गया। खास बात की 90 के दशक में आई उनकी पहली मराठी फिल्म आबोली के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जिस साल यह फिल्म आई थी उसी साल सयाजी एक और मराठी फिल्म वजीर में भी एक छोटे से रोल में दिखे थे, लेकिन आबोली की कामयाबी के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में अच्छे रोल मिलने लगे। हालांकि नौकरी उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी और साथ ही थिएटर भी करते रहे। दोस्तों, सयाजी एक्टिंग में इस कदर डूबे थे कि जब स्क्रिप्ट व एक्टिंग की बुक्स पढ़ने के लिए उन्हें शांत जगह न मिलती तो मुंबई के माटुंगा स्टेशन चले जाते, जहाँ थोड़ी कम भीड़ होती थी, और वहाँ भी वो
उस प्लेटफॉर्म को चुनते जहाँ सिर्फ भिखारी रहा करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे और वो आराम से अपनी रिहर्सल भी कर सके। सयाजी वहाँ सवेरे सवेरे रिहर्सल करते, फिर बैंक में जॉब पर आ जाते और शाम को थिएटर करते। इस दौरान सयाजी ने दिशा और दरमियान जैसी हिंदी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल किए, लेकिन उनसे बॉलीवुड में उन्हें कोई पहचान न मिल सकी। सयाजी को तलाश थी किसी ऐसे रोल की जिसमें अपने टैलेंट को दिखा सके और हिंदी दर्शक भी उन्हें नोटिस कर सके। 90 के दशक के अंत तक आते आते सयाजी शिंदे मराठी फिल्मों का एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनकी कोई पहचान न बन सकी थी। इस दौरान उनके हाथ फिल्म शूल आई, जिसके किरदार बच्चू यादव को उन्होंने कुछ इस तरह से जीवंत कर दिया कि आज भी वह किरदार उनकी पहचान बना हुआ है। उस रोल से वे इतने पॉपुलर हुए कि उनके पास काम की लाइन लग गई और उन्होंने निश्चिंत होकर अपनी बैंक की जॉब भी छोड़ दी। सयाजी को शूल फिल्म कैसे मिली, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म से सयाजी के जुड़ने की सबसे बड़ी वजह थे एक्टर मनोज बाजपेयी। वाई की फिल्म सत्या के बाद फिल्म लेकर राम गोपाल वर्मा मनोज बाजपेयी को लेकर अपनी आगामी फिल्म शूल की तैयारी कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि बड़े एक्टर ही लेंगे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर नए थे इसलिए उन्होंने सोचा एक्टर भी नए ही रहे तो ठीक रहेगा। तब तक सत्या हिट हो गई थी और मनोज बाजपेयी अचानक ही पॉपुलर हो गए थे। शूल फिल्म के हीरो के तौर पर मनोज तो फाइनल थे, अब विलन की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान मनोज की नजर टाइम्स ऑफ इंडिया में सयाजी के ही लिखे मराठी नाटक तुम्बाड़ा के पोस्टर में सयाजी की एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखी। मनोज के मन में उस फोटो को देखकर ख्याल आया कि थिएटर का आर्टिस्ट है, अच्छा ही काम करेगा। अगर यह फिल्म में बच्चू यादव का किरदार करे तो मजा आ जाएगा। उन्होंने तुरंत थिएटर के एक साथी एक्टर मकरंद देशपांडे को फोन किया और सयाजी के बारे में पूछा कि ये कैसा एक्टर है। मकरंद ने अपने मराठी लहजे में कहा, खूब छान रहे। हालांकि मकरंद के पास सयाजी का फोन नंबर नहीं था, फिर भी उन्होंने 3 दिन के बाद सयाजी का नंबर खोजकर मनोज को दे दिया। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए जब मनोज ने सयाजी के लैंडलाइन फोन पर कॉल किया तो पता चला कि सयाजी नागपुर अपने इसी नाटक का शो करने गए हुए थे। बहरहाल मनोज ने अपना नंबर छोड़ दिया और कहा कि वे जब भी आए तो बात कर ले। इधर सयाजी को पता चला कि उनके लिए फिल्म का ऑफर आया है, तो घर पहुंचते ही रात को 11 बजे उन्होंने मनोज को फोन कर दिया। मजे की बात कि सयाजी को पता नहीं था कि मनोज बाजपेयी कौन है, उन्हें लगा राम गोपाल वर्मा का कोई मैनेजर होगा। खैर अगले दिन तय समय पर सयाजी राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे और उन्हें भी पसंद आ गए। मजे की बात कि उसी वक्त राम गोपाल वर्मा ने मनोज को फोन लगाकर बताया कि सयाजी को बच्चू यादव के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन मनोज उस समय नींद में थे और भूल गए थे कि उन्होंने ही सयाजी को वहाँ भेजा था। उन्होंने पूछा कि ये सयाजी कौन है। इस पर राम गोपाल वर्मा ने झल्लाते हुए कहा कि तुम ही ने तो भेजा था यार। इधर सयाजी ने अपने एक दोस्त को पूरी कहानी बताई तो उनका दोस्त मनोज बाजपेयी का नाम सुनते ही उछलकर बोला, अरे वो भीखू मात्रे है। तो सयाजी ने कहा, भीखू नहीं, उसका नाम मनोज बाजपेयी है, राम गोपाल का मैनेजर है वो। इस पर सयाजी के दोस्त ने बताया कि सत्या फिल्म का भीखू मात्रे मनोज बाजपेयी ही तो है। इसके बाद सयाजी ने सिनेमा घर में जाकर सत्या फिल्म देखी और उन्हें पता चला कि कौन है मनोज बाजपेयी। सयाजी शिंदे कैसे एक्टर थे न तो मनोज को यह पता था और न ही दोनों की पहले कभी मुलाकात हुई थी, लेकिन थिएटर का एक अनुभवी एक्टर कुछ भी कर सकता है, यह मनोज भी जानते थे। सबसे दिलचस्प बात कि सयाजी मराठी होकर एक बिहारी कैरेक्टर करने वाले थे और उन्हें रोल दिलाने वाले मनोज वाजपेयी बिहारी होकर मराठी कैरेक्टर से फेमस हुए थे। उन्होंने सयाजी को बिहारी लैंग्वेज में ढलने के लिए टिप्स दी, जिन्हें सयाजी ने बड़ी आसानी से अपना लिया और उसे अपना एक अलग अंदाज दे दिया। हालांकि शूटिंग के पहले दिन जब सयाजी ने अपने डायलॉग बोले तो मौजूद लोगों को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि खुद उसके राइटर अनुराग कश्यप ने भी उस रोल को एक टिपिकल बिहारी अंदाज सोच के लिखा था, जबकि सयाजी उससे काफी अलग कर रहे थे। इसके बाद मनोज एक बार फिर सामने आए और सबको समझाया कि सयाजी थिएटर के मजे हुए एक्टर हैं, उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं और ये एकदम नया अंदाज है जो लोगों को पसंद आएगा। खैर फिल्म रिलीज हुई और फिर वही हुआ जो होना था। सयाजी शिंदे अपने रोल से कुछ ऐसे छाए कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1999 में रिलीज इस फिल्म के लिए सयाजी को खूब अवार्ड मिले और फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट विलन के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इधर बॉलीवुड में कामयाबी मिली ही थी कि सयाजी को तमिल फिल्म भारती में काम करने का ऑफर मिल गया। खास बात कि सयाजी शिंदे को जो रोल मिला था पहले वह कमल हासन को मिलने वाला था। इस फिल्म में सयाजी ने तमिल लेखक कवि और विचारक सुब्रमण्यम भारती का रोल निभाया था और तमिल ना जानते हुए भी उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ काम किया, इसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। साल 2000 में आई इस फिल्म को तमिल भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया था। देखते ही देखते सयाजी तमिल फिल्मों का भी एक जाना माना नाम हो गए और तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी सभी साउथ की भाषाओं में फिल्में कर डाली। हालांकि इस बीच सयाजी ने हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम करना जारी रखा और बाद में कुछ भोजपुरी व अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। सयाजी की फिल्मों की बात करें तो सभी भाषाओं की फिल्मों को मिलाकर उन्होंने लगभग 90 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है जो आज भी जारी है। सयाजी ने बॉलीवुड से कहीं ज्यादा पहचान तमिल फिल्मों में बनाई है और साल 2017 में उन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से सम्मान भी मिल चुका है। फिल्मों में अपनी विलन की इमेज को लेकर सयाजी कहते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो यह सोचकर नहीं आया था कि मैं हीरो बनूंगा। मैंने कभी इमेज बनाने के बारे में नहीं सोचा था, मैं सिर्फ एक कलाकार बनना चाहता था। अभी भी करोड़ों लोग हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सयाजी का मानना है कि भले ही काम कम करो लेकिन इतने अच्छे से उसे निभाओ
कि लोग उसे याद रखें और खुद बुलाकर काम दें। शायद इसलिए सयाजी कभी बॉलीवुड में खुद काम मांगने नहीं गए, जहाँ से ऑफर आया उसे ही दिल से ले लिया। बॉलीवुड में सयाजी कई सालों के गैप के बाद संजू और काला जैसी फिल्मों में नजर आए थे, जिसके बाद अंतिम और गोविंदा नाम मेरा जैसी कुछ फिल्मों के अलावा हालांकि यूट्यूब चैनल बच्चा मत बोलना में भी दिखाई दिए थे। हम आपको बता दें कि सयाजी ने एक्टिंग के साथ साथ बतौर प्रोड्यूसर कई मराठी फिल्में भी बनाई हैं, साथ ही वो सोशल वर्क भी करते रहते हैं। सयाजी शिंदे के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम वंदना शिंदे है, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और सादगी की वजह से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। सयाजी शिंदे और वंदना शिंदे की दो संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हों प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।